हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो इससे पहले यार मैंने काफी सारे यहाँ पे Redmi Note 7, Note 7 Pro के लिए कवर केसेस का रिव्यू करा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लेटेस्ट क्लियर बैक कवर आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको कैमरा प्रोटेक्शन, फुल टू टेक्टाइल बटन्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कई ग्लास बैक कवर का भी रिव्यू करा है, जिसमें भी आपको कैमरा प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और काफी अच्छे यहाँ पे ये केस देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप नोट 7, नोट 7 प्रो के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर लो। तो आज की वीडियो में एक ऐसे कवर का यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ जो कि ग्लास कवर है, 360 ग्लास कवर है। तो ये मैंने नोट 5 प्रो के लिए करा था, बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, तो आई थॉट यार नोट 7 प्रो के लिए भी कर लेते हैं, क्योंकि ग्लास नोट 7 प्रो में भी है कवर, ग्लास कवर भी हम लगाएंगे, क्योंकि डिजाइन है यार, और प्रीमियम क्वालिटी है। तो यहाँ पे ये ग्लास के बैक कवर आपको नोट 7, नोट 7 प्रो दोनों के लिए देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अभी मैं आपको निकाल के इसको दिखा देता हूँ कैसा रहता है। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो, इस तरीके की पैकेजिंग में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्लास कवर है, फुल टू ग्लास कवर है, और काफी अच्छी प्रोटेक्शन के साथ भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्लास्टिक लगी हुई है, पहले इसको निकाल लेंगे। प्लास्टिक निकालते ही आपको यहाँ पे ग्लास देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी प्रीमियम क्वालिटी का रहता है और 360 प्रोटेक्शन ग्लास है। तो अभी पहले मैं यहाँ पे नोट 7 प्रो में आपको लगा के दिखाता हूँ कि किस तरीके का ये आपको देखने को मिलता है। तो इधर निकाल लेते हैं पहले ये क्लियर बैक कवर को, और यहाँ पे मैंने स्किन लगाई हुई है, अगर आपने स्किन की वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो पहले देख लेते हैं ये ग्लास कवर कैसे खुलता है। तो इस तरीके का ग्लास कवर है, और इस तरीके से 360 प्रोटेक्शन आपको पूरी इसके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ पे ये अलग भी आप लेट कर सकते हो, और इसको यहाँ पे लगा देते हैं, सिंपली इस तरीके से रख देते हैं, एंड जो लिड है ऊपर वाली 360, उसको अब यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देंगे। तो मैग्नेट है और इस तरीके से ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा अटक गया है, तो इसको हम फुली यहाँ पे बंद कर देंगे सही से, जो आई थिंक नहीं हुआ है मुझसे। ओके, तो इधर से लेके इधर आपको रखना है, ताकि ये फुली जो इसके ऊपर बटन आपको देखने को मिलते हैं वो वर्क आए। अगर यहाँ पे ये बटन नहीं देगा तो आपको बहुत ही ज्यादा अंदर से दबाना होगा, उसके बाद ही यहाँ पे आप वर्क कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको टेक्टाइल बटन देता है। ओ माय गॉड, तो लगाने के बाद देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, बिल्कुल यार बहुत ही अच्छी यहाँ पे फील आपको इसके अंदर आ जाएगी, अगर आप यहाँ पे ये 360 कवर लगाओगे तो। अब इसको निकालना थोड़ा मुश्किल है अगर आपके पास नेल्स नहीं है, क्योंकि बिना नेल्स के इजिली जल्दी खुलता नहीं है। तो आप इधर से जो वॉल्यूम रॉकर है वहां से इसको ओपन कर सकते हो, और मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये चीज करने में काफी ज्यादा मजा आता है, इस तरीके से ये लिड है और ये बंद हो गई, और आपका ये 360 पूरा प्रोटेक्शन देता है आगे से भी और पीछे से भी। लेकिन यहाँ पे कैमरा कवर में, कैमरा लेंस में प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि कैमरा लेंस काफी ज्यादा थिक है, और इतना थिक अगर ये कवर हो जाएगा तो जो आपका फोन है बहुत ज्यादा थिक यहाँ पे हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसमें आपको कैमरा के में प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। हालांकि अगर आप कैमरा का लेंस प्रोटेक्शन करना चाहते हो तो सिंपली एक आपको मैंने कैमरा लेंस प्रोटेक्टर के बारे में वीडियो बनाई है, उसको लगा लो और आपका यहाँ पे कैमरा लेंस भी प्रोटेक्ट हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आप इस कवर को भी यूज कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इसी को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि दिखने में भी काफी अच्छा है और फील भी काफी अच्छा देता है। ज्यादा हैवी भी नहीं होता है केस, और नेटवर्क वेटवर्क सब सही आते हैं। जो लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे ये मैग्नेट है इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है, तो नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हो यहाँ पे फुल नेटवर्क आपको देखने को मिल रहा है, और ऐसे ही नेटवर्क कब से जब से है तब से ही आता है, और इस तरीके से ही यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। तो फुल टू प्रोटेक्शन के साथ ये ग्लास कवर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अनब्रेकेबल है। जी हाँ, ब्रेकेबल नहीं है ये, बहुत ज्यादा हार्ड आपको ये देखने को मिलता है, जो कि ब्रेक नहीं होता है। तो काफी अच्छा यहाँ पे कवर आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे इसको बाय करना है, लिंक मैं आपको नीचे इसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जरूर जाके चेकआउट कर लो, क्योंकि इससे अच्छा कवर आई डोंट थिंक कि आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्वालिटी लुक्स भी देखने को दे रहा है। हालांकि अगर आप चाहो तो जो ग्लास बैक कवर है वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दो, और मिलता हूँ आपको नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।